28 फरवरी आ गया। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर बयान जारी किया था कि 28 फरवरी तक करीब 15 से 20 हज़ार लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाना चाहिए। कई हज़ार से ज़्यादा नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं, काडर मिला है, प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं, मगर अभी भी बहुत सी सेवाओं का के ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिले हैं। ये नौजवान वर्षों की मेहनत के बाद दो दो साल परीक्षा देकर पास होने के बाद मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी कई महीनों से ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे थे। अगर हम ये सीरीज नहीं चलाते तो वरना इनकी ज्वाइनिंग को लेकर कोई सुनने वाला नहीं था। ये दिन रात फ़ोन कर रहे थे, कभी CAG, कभी टेक्सटाइल, कभी फिल्म डिवीजन, कोई जवाब नहीं मिलता था। 28 तारीख को एक नौजवान का मैसेज आया आज ही कि हमारा अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। यह खुशखबरी एक की नहीं है बल्कि 407 उम्मीदवारों की है जो हम आप दर्शकों के साथ बांट रहे हैं। SSC CGL 2016 के तहत जिन अभ्यर्थियों को DOPT में की तरफ से इन्हें आया है, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आरंभ हो गई है, ये कहा गया। 27 फरवरी 2018 को कार्मिक मंत्रालय ने नोटिस जारी करके 407 अभ्यर्थियों से ज़रूरी कागजात जमा करने के लिए कहा है। हेलो सर, मैं SSC CGL 2016 का सिलेक्टेड कैंडिडेट बोल रहा हूँ। मेरा चयन केंद्रीय सचिवालय सेवा के लिए हुआ था। आज मेरा अपॉइंटमेंट लेटर DOPT की तरफ से आ गया है, लेकिन इसका पूरा श्रेय आपको जाता है। मैंने अब बिल्कुल TV देखना कम कर दिया है। मैं हिंदू मुस्लिम टॉपिक न्यूज़ चैनल पर देखते ही मैं TV बंद कर देता हूँ। पिछले कई महीनों से हमारा प्रोसेस होल्ड पर था। SSC की वजह से जो डिले हो रहा था उसका नतीजा बहुत लोगों को भुगतना पड़ रहा था। फाइनली रवीश सर, आपके और NDTV पूरी टीम, जो भी आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, मैं आपको दिल से थैंक यू करता हूँ, क्योंकि आज हम लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर का प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़ आज से हमारा फाइनली स्टार्ट हो चुका है। DOPT में लगभग 407 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं और इन सभी 407 कैंडिडेट्स की तरफ से मैं आपकी पूरी NDTV टीम को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए होली मनाइए। प्राइम टाइम की नौकरी सीरीज के कारण 407 लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ हो रही है। CAG वाले भी कभी जवाब नहीं दिया करते थे, मगर उन्होंने अभी प्रक्रिया प्रारंभ कर अभी लगता है कि गाड़ी रोक दी है। उस डिपार्टमेंट में भी 1000 से अधिक हैं अलग अलग पदों में अगर देखा जाए तो, और आगे की प्रक्रिया अभी देखते हैं कब तक शुरू करते हैं। हम लगे हुए हैं उसके पीछे। छात्र बता रहे हैं कि CAG ने अभी तक आगे की कार्रवाई नहीं की है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट CGA, ये एक अलग डिपार्टमेंट है, इसमें भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी, इनकी लिस्ट आ गई है। 501 छात्रों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारी सीरीज का पहला असर काफ़ी बड़ा था। SSC के चेयरमैन ने 11वें एपिसोड के वक्त एक नोटिस निकाला, कहा कि 28 फरवरी तक पर 15,000 नौजवानों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। नहीं कर पाए, मगर फिर भी उन्होंने शुरुआत की और चल रही है। शुरुआत में ही पोस्टल विभाग से की उन्होंने 5205 पदों पर भर्ती के लिए पत्र मिलने का ऐलान कर दिया। बंगाल पोस्टल सर्किल की वेबसाइट ने 398 नौजवानों की पोस्टिंग का ऐलान कर दिया। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 1114 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्रों से काडर का विकल्प पूछा जा रहा है। पोस्टल विभाग के महाराष्ट्र सर्किल के 353 नौजवानों का काडर बट गया है, ज्वाइनिंग नहीं हुई है। टेक्सटाइल मंत्रालय में 161 नौजवान अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे, उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। सांख्यिकी विभाग में 56 नौजवानों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह सब हमारी नौकरी सीरीज का असर है, मगर यह सेंट्रल बैंक वाले 700 लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं, यह बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं। 12 जनवरी को इसी SSC का एक आदेश था कि इनकी नियुक्ति पर रोक लगाई जाए, मगर 29 जनवरी को भी, मगर जब लगा कि मैं जून जुलाई तक या पूरे साल नौकरी सीरीज पर टिका रहूंगा तो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया इन्हें शुरू करनी पड़ी। अगस्त 2017 में मेरिट लिस्ट आने के बाद से करीब ये 15-20 हज़ार नौजवान ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे। इन्हें कोई बताने वाला नहीं था। अभी भी सारे छात्रों को लेटर नहीं मिला है, काडर का बंटवारा नहीं हुआ है, हमें जानकारी भी नहीं। जैसे फिल्म डिवीजन वाले इंतजार कर रहे हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम में ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। 855 नौजवानों के घर अभी खुशी पहुंचनी बाकी है। हम SSC के चेयरमैन से गुजारिश करते हैं कि ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जल्दी पूरी कराइए। आप दर्शकों को बधाई, सारा काम छोड़कर एक ही टॉपिक पर 21 सीरीज आपने देखी है, इतना कुछ झेला है, आसान नहीं होगा आपके लिए भी। रोज सोचते होंगे कि इसके लिए ना सुबह है ना शाम है, सिर्फ बैंक सीरीज और नौकरी सीरीज है। अगर आज के शो में जितनी संख्या हमने बताई है
उसी को जोड़ दें तो एक सीरीज के कारण 7,143 नौजवानों की होली में चार चांद लग गए। कई विभागों की हमें जानकारी नहीं, कईयों ने बताया भी नहीं, पहले वो काफी कहते थे लेकिन नहीं बताया, उन्हें भी मुबारक। ये संख्या इससे भी बड़ी हो सकती है, तो आप दर्शकों को फिर से बधाई। जीरो टीआरपी एंकर के शो का ये असर हुआ कि 7,000 से ज्यादा लोगों के घर अपॉइंटमेंट लेटर पहुंच रहा है, प्री अपॉइंटमेंट लेटर पहुंच रहा है, कार्डर बंट रहा है, वरना तो कोई बताने वाला नहीं था।